राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और इस साल भाई दूज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन मनाया जाएगा। तिलक करने का शुभ मुहूर्त 1:10 से दोपहर। भाई दूज की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी, उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार के दिन बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, तेरी बहन तो बहुत ही कलिया है, वह हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। नदी बोलती है कि मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबो दूंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर आते वक्त आप मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता भी दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है और आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका करवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है और अब भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है कि देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस समय सूत काट रही होती है, तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते समय सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुनकर बहन जवाब नहीं देती है। तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती है, माँ सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ से दौड़ती है और उससे बात ना करने का कारण भी बताती है। बहन बड़े प्यार व स्नेह के साथ भाई को घर में ले आती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है कि सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और वैसा ही करती है और अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सीझता है। इधर भूखा भाई उससे कहता है कि बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, बहन कैसे तूने चौका लगाया, कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, मैंने पड़ोस वाली सहेली से पूछा था कि उसने कहा कि जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखता है क्या और कभी घी में चावल पकते हैं क्या। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब बहन घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसको तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा क्योंकि घर पर माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से कुछ खाने को मांगते हैं, तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है, यह क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया था। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन,
तब बहन पूछती है कि मैंने तुम्हें जो लड्डू बांध कर दिए थे वह कहाँ है। भाई ने कहा, बहन तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले लो। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वही गड्ढा खोदकर लड्डुओं को गाड़ देती है। तत्पश्चात अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को वचन देकर आया हूँ। बहन ने कहा, भाई तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब भाई अपनी बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठकर वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर पर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है कि माता वह कौन सा भाई है। तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है कि हे माता, उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा। विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वह सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है और वह दोनों आगे बढ़ चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने के लिए तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। तत्पश्चात खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। बेटी को देख कर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस झगड़ालू बहन को क्यों ले आया। तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं इसे आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन तो पागल है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है और वहाँ पर आग लग जाती है। बहन को तो पहले पता ही था कि उसका भाई का घात है, उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों के बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते, परंतु बहन हर समय भाई के साथ ही रहती थी। जब भाई को निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर आओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन झगड़ती है पर बार बार भाई की जान भी बचा लेती है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दुल्हा दुल्हन की रात जगाती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, उसे पकड़कर
टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चित होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटी मैंने तो सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होऊंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर सात घात थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टीका करती है और इस कथा को सुनती है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए यमुना माता की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।